भारत देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग तरह से जमीन को नापने का जो इकाइयां होती हैं वो अलग अलग होती है। उनकी इकाई जो होती है लगभग लगभग डिफरेंट होती है, परंतु अगर हम बात करें कि शासकीय कार्यों में तो उनकी जो इकाई होती है लगभग लगभग सेम होती है। तो दोस्तों, आप अपनी जमीन को किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? जैसा कि हमें एक कमेंट आए हुए हैं कि सर, प्रॉपर्टी में ये कैसे पता करें कि हमारी जमीन इतने बीघा है तो इतने हेक्टेयर होगी, इतने आरे है तो इतने एकड़ होगी, इतने डिसमिल है तो इतने एकड़ होगी, ये किस प्रकार से पता करते हैं? तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जैसे 1 एकड़ है तो उसमें कितने आरे होंगे, या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी के 20 आरे हैं तो उसमें कितने एकड़ बनेंगे, या फिर कितने हेक्टेयर है तो उसका कितने डिसमिल बनेगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को पॉज ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं चंद्रमान चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टैग रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अदर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में प्रॉपर्टी के जो मेंशुरेशन, जो मापक है, जो उनकी, तो वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में ही एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। तो अगर मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए, डिसमिल, आरे, हेक्टेयर, एकड़, बीघा, ऐसी इकाइयां चलती हैं प्रॉपर्टी को नापने के लिए। अगर आप ग्वालियर साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको जमीन जो है उज्जैन साइड, इंदौर साइड, तो वहां पर आपको जमीन बीघा में मिलेगी। बीघा में आपको वहां पर प्रॉपर्टी को लोग नापते हैं तो बीघा में आपको देखने को मिल जाएगी। परंतु अगर शासकीय कामों करें तो वहां पर तो आपको जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको डिसमिल, आरे, एकड़ और हेक्टेयर में भी नापी जाती है। अधिकतर जो प्रॉपर्टी होती है राजस्व रिकॉर्डों में वो हेक्टेयर में ही नापी जाती है। हेक्टेयर में आपको प्रॉपर्टी आपकी जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी मेंशुरेशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से किस प्रकार से उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि मुझे कुछ इकाइयां पता है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप प्रॉपर्टी को नापते हैं तो देखिए, जो 40 आरे का 1 एकड़ होता है, लगभग लगभग 40 आरे का 1 एकड़ होता है और 2.5 डिसमिल का 1 आरे होता है। तो इस प्रकार से, और 4,000 वर्ग फीट का 1 एकड़ होता है, तो 43,000 वर्ग फीट, लगभग लगभग 43,000 वर्ग फीट का 1 एकड़ होता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से नापते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ पर आप ये सारी अपनी जो मिस्टेक है वो आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे लैंड एरिया कन्वर्टर और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी एरिया कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, एरिया कन्वर्टर। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो भी, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसे आप कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, कन्वर्ट फ्रॉम, अगर आप आरए में कन्वर्ट करना चाहते हैं आरए, तो यहाँ पर कन्वर्ट टू, जैसे हम आरए को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्क्वायर फिट में, तो यहाँ पर स्क्वायर फिट का ये ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि मैं, मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं 40 आरए को कन्वर्ट करूँ स्क्वायर फिट में, तो यहाँ पर कितना आएगा, कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था 43,000, लगभग लगभग 43,000 के आसपास का 1 एकड़ होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बीघा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 एकड़ में आप देखना चाहते हैं कि कितने बीघा होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल जो यूनिट्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो देखिए यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा बीघा असम में कितना है, बिहार में कितना, गुजरात में कितना, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, नेपाल में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में देखूं कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, तो यहाँ पर मैं बीघा मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.63 बीघा का 1 एकड़ होता है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में इसके देख भी सकते हैं, हाउ मैनी बीघा मध्य प्रदेश आर इन 1 एकर, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, द आंसर इज 1 एकर इक्वल टू 3.63 बीघा मध्य प्रदेश, फील फ्री टू यूज़ ऑनलाइन कन्वर्जन, ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट है। मतलब आपको मध्य प्रदेश में 3.5 बीघा का लगभग लगभग 1 एकड़ होता है। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ किसी अदर स्टेट में, जैसे मैं असम का देखूँ, तो असम में देखिए 3 बीघा का 1 एकड़ होता है।
इस प्रकार से आप डिफरेंट स्टेट में भी देख सकते हैं, जैसा बिहार का हो गया, गुजरात का हो गया। गुजरात में अगर हम देखते हैं तो 2.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 बीघा का 1 एकड़ होता है। इस प्रकार से आप डिफरेंट स्टेट में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम अब आरए में कन्वर्ट करें कि एक आरए का अगर हम बताएं कि एक आरए में कितने डिसमिल होता है, तो यहाँ पर आप डिसमिल की इकाई सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये डिसमिल आ गया, तो 2.5 डिसमिल का, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2.5 डिसमिल का एक आरए लगभग लगभग होता है, तो यहाँ पर एक आरए में 2.5 डिसमिल हो गया। अब अगर आप यहाँ डिसमिल में सिलेक्ट करते हैं कि डिसमिल टू आरए अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नॉर्मल से टाइप करिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप डिसमिल में यहाँ पर टाइप करें, मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है, पटवारी बताता है कि 40 डिसमिल आपकी प्रॉपर्टी है, तो 40 यहाँ पर टाइप करें और यहाँ पर आप एकड़ में ले सकते हैं, एकड़ में कितना आता है, तो देखिए 0.4 एकड़, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर उसे आप डिसमिल टू आरए में करें तो 16 आरए की वो प्रॉपर्टी टोटल बनेगी। और एक एकड़ में जो हमने बताया आपको कितने आरे होते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आरे एक आरे में कितने एकड़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एकड़ में कितने आरे, सॉरी गलत, एक एकड़ में कितने आरे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 आरे का एक एकड़ होता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी कितनी बन रही है और कितनी आपकी प्रॉपर्टी का टोटल एरिया बन रहा है। यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी दी गई हैं, आप उन्हें बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हेक्टेयर में भी प्रॉपर्टी दी गई है, तो आप हेक्टेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर अगर हम एकड़ में कन्वर्ट करें कि एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो 2.47 हेक्टेयर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, हाउ मैनी एकर आर इन 1 हेक्टेयर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द आंसर इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकर। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं। अब आपको अगर एकड़ टू हेक्टेयर करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप एकड़ सेलेक्ट कीजिए, एकड़ टू हेक्टेयर, तो यहाँ पर आप हेक्टेयर यूनिट में सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक एकड़ में जैसे कि कितने हेक्टेयर होते हैं, तो 0.40 हेक्टेयर होता है। टोटल आप कह सकते हैं कि 2.5 हेक्टेयर का ढाई, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करें 2.5, तो आप देख सकते हैं कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर लगभग लगभग होता है। इस प्रकार से आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बड़े ही आसान तरीके से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट में सभी यूनिट्स मिल जाती हैं। इसके बाद मैं अगर इकाई की बात करूं किसी और की, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, वेस्ट बंगाल का बिसवा हो गया, कहीं का कौनी सेंट, जो भी है, जो मैं जहाँ चलता है जाते, जैसे आप नेपाल की भी देख सकते हैं, नेपाल की धूर है, तो आप नेपाल का भी देख सकते हैं कि वन धूर में कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने आरए होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितने एकर होता है। तो ये इस प्रकार से आप कन्वर्ट करके बड़े ही आसान तरीके से देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर बड़े ही आसान तरीके से आ सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किस प्रकार से यूनिट्स में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में देख सकते हैं, किसी प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। जुड़े हैं हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।